लियो भाई एक और बहन अपने बीच हसमुख चेहरा बिल्कुल। कौन सा गांव है बहन इधर उधर थोड़ा, कौन सा गांव है आपका? दिल्ली तो ये कौन सी जगह आता है? चलो तो कितने क्वेश्चन हुए बहन अपने, अटेम्प्ट कितने करे? ऑलमोस्ट करे हैं, मैं तो अटेम्प्ट सारे करे, थोड़े छूटे हैं जैसे कि मेरा मैथ्स वीक है। अच्छा मैथ्स छूटा है मेरा। चलो बाकी लगभग अटेम्प्ट करे 90 लगभग एवरेज था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था कि बहुत हार्ड पेपर है और बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट मॉडरेट आया लेवल। कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक याद हो जैसे? हाँ, जैसे कि समुद्र गुप्ता के बारे में है, अशोका के बारे में ज़्यादा पूछा गया है और हमारे सबसे ज़्यादा एशियन के बारे में ज़्यादा पूछा गया है हिस्ट्री के अंदर, और पॉलिटिकल्स में आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया है, ज्योग्राफी में रेटिंग के बारे में पूछा है मेल एंड फीमेल का, कितना कौन से एरियाज में कितने रेटिंग्स है, एंड डांसेस के बारे में पूछा गया, फेस्टिवल्स के बारे में पूछा गया। ये हमारा जनरल का एग्जाम था। रीजनिंग मैथ मैथ्स तो मेरा बहुत वीक है, तो के कुछ आ रहा था मैथ में याद हो कुछ है? बस मैथ्स का पता नहीं। हाँ रीजनिंग में हमारा फिगरिंग के क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे। हाँ जी डाइस के, हाँ डाइस के क्वेश्चंस आए हैं और पेजेस के क्वेश्चंस आए हैं, सर्कल्स के क्वेश्चंस आए हैं, टाइप ऑफ दिस रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। रीजनिंग चलो बहुत, अब तक मैंने काफ़ी वीडियो बना लिए पर आप जैसा रिव्यू नहीं मिला, आपने बिल्कुल पेपर सा दिखा दिया बच्चा था। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी इस माने ने, और उम्मीद करा जल्दी वर्दी पहन ले दिल्ली वाली सेड़ी छाएगी भाई। क्या माने टीका ला के जा रही थी, कौन सा गांव है बेबी अपना? हरियाणा स्टेट। अच्छा चैड, चैड पहाड़ी भिवानी लो आर उतारी है भाई सेड़नी। चलो कितने क्वेश्चन हुए बेबी अपने? 85। तैयारी कित करी? आर डब्ल्यू एफ तो पढ़ी है भाई, दूर दूर तक पढ़ा उड़े रहे। तो बेबे कोई टॉपिक याद होते रहे किसी सब्जेक्ट का, जो रीजनिंग का कोई टॉपिक कितने आ रहे? रीजनिंग में आकृति से संबंधित ज्यादा परसेंट। अच्छा और मैथ में? मैथ एचसीएफ एलसीएम तो दो क्वेश्चन थे और लाभ आने तो थे। ठीक है बेबे, और ये क्या नाम जीके जी है? इंटरेस्ट तो जीके थे। हां के आ जाता जीके, इनके टॉपिक याद हो क्या? मैं जिके में जनजाति तब पूछ रखा था 1%, तो और खेला तब पूछ रखा था एशियाड खेला था। ठीक बेबे, और इतने। चलो बहुत बढ़िया जानकारी दी, शरीफ सी छोरी यही का काम बन जा तो बड़ा सवाल है। ठीक है बेबे, बहुत बढ़िया जानकारी दी। ये दो बहन अपने बीच है किसा, कितने क्वेश्चन करे बहन? नहीं ये दो भाई और सीकर राजस्थान का है और देसी देसी सी लुक मारिया भाई, तो कति ऐसा लागे खेत में तसी दार या पेपर देन। किसका था एग्जाम? दोनों का एग्जाम था। कितने क्वेश्चन करे भाई? क्वेश्चन तो 83 किए थे भाई। 77 भाई, तू ज्यादा होशियार लग गया है सकलता है। अब वो तो देख लो आप। चलो कहाँ से तैयारी की भाई? मैंने जयपुर रेम डिफेंस एकेडमी से। जयपुर रेम डिफेंस एकेडमी। चलो आर डब्ल्यू ए रोजगार विदंकित से। चलो भाई तो बताओ भाई क्या कौन से टॉपिक आ रहे थे, किस चीज में अपना आसानी लगी, लेवल वगैरह? आसान तो रीजनिंग वगैरह आसान ही थी, थोड़ी मैथ ही हार्ड लग रही थी। अच्छा मैथ में क्या लग गया हार्ड? मैथ में हार्ड या थोड़ा बहुत। जीएस का कोई टॉपिक आपको याद हो भाई? टॉपिक GS... तो कुछ याद नहीं है लेकिन मेरी मैथ बहुत खराब मैथ हुई। अच्छा नहीं मैथ भी कहने वाला, कम से कम 9-10 क्वेश्चन तो करने लायक थे, उसमें से एक दो एडवांस मैथ का था जो क्वेश्चन करने लायक नहीं था, यानी जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। इसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, वो एक सरल था दो में, और अभाज्य संख्या से पूछा गया था, यानी कि चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 1001 हो जाएगी, उसमें 1001, 1003, 1007, 1009 दे रखा। बहुत बढ़िया भाई, तने आंसर दे दिया आगे गया तो। हाँ और परसेंटेज से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से दो क्वेश्चन था और एक दो क्वेश्चन एवरेज से थे, और मैथ में तो एड बैलेंसर थे दो क्वेश्चन, और लगभग मैथ में तो यानी कि ठीक थे ना। रीजनिंग, रीजनिंग में एक तो कहने मतलब जो हमारे डाइस आकृति है, नहीं डाइस वाला नहीं था, और रीजनिंग में एक तो ये आता ना दो तीन संख्याओं का खाना जोड़े वाला, वो थोड़े कैलकुलेटिव था, और एक जो सीरीज में है तो सीरीज एकदम इजी थी, कोडिंग डिकोडिंग से दो तीन क्वेश्चन थे एकदम बिल्कुल। कोडिंग डिकोडिंग ने खूब बता दिया है भाई, जान कर लियो। चलो हाँ, और भाई जी एस जी के इन में और दो दर्पण से थे, सॉरी दर्पण प्रतिम से थे दो क्वेश्चन, एक दर्पण भाई। हाँ यानी कि रीजनिंग में ओवरऑल देखा जाए तो 23 से 24 क्वेश्चन हर कोई विद्यार्थी कर देगा। 30 में 30 की हो है क्या की हो? 25 में 23-24 आराम तक कर लेंगे, 24 आराम से कर देगा। किस पर ध्यान दे बालक, किस चीज पर ध्यान दे? एक तो जो आकृति आ रही है ना, आकृति 3-4 स्टार वगैरह वो आकृति आती है उनके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि उनके आज भी 3 क्वेश्चन आए हैं और तीन अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे, उसमें से एक तो बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन था मेरे के, सर दुखने वाला क्वेश्चन था,
चलो भाई, मैंने खुद ने 24 क्वेश्चन किए हैं और जीके में देखे जाए तो जीके इतनी अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रही है कहने, मतलब जो पहले से जो प्रीवियस ईयर कर रखा है वो आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर देगा सर मेरे। चलो भाई, प्रीवियस ईयर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर कर रहा जीके जीएस वो कर देगा 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में, स्टैटिक जीके 4 से 5 क्वेश्चन, जो संविधान पॉलिटी हमारे वो, हिस्ट्री के भी 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं। चलो भाई, कोई टॉपिक याद है ज्योग्राफी का किस में? हाँ, ज्योग्राफी के जो अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद है, ये तो पॉलिटिकल में आ जाए, 29 पूछा था, और एक है ना जो वो, चलो ये पहाड़ नदी वगैरह ही नहीं बता कोई आया पहाड़ नहीं, एक वो हिस्ट्री में पूछा, पहाड़ नदी में नहीं आया था, अलग ही कहना। ज्योग्राफी क्वेश्चन क्या है कि जो आते नहीं है ना वो याद थोड़ी कम रहते हैं। चलो चलो, सही बात है भाई, लेकिन हिस्ट्री में कहने मतलब 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, बंगाल के का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 का, वो पूछा गया था और अच्छे क्वेश्चन थे। चलो भाई, नवीन सर तो जीके पढ़ी थी। हाँ, नवीन सर से जीके पढ़ी आ रहा था। हाँ बिल्कुल, और सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा था कि किस किस शास्त्र नृत्य से। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, काफी शरीफ और बढ़िया जानकारी देगा ये भाई, कह रहे 72 पे जो है ना लगेगा, 72 लग जाएगा भाई, 72 वाला लग जाएगा भाई। आज के क्वेश्चन में देखे जाए तो 65 से 70 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, जिसने अच्छी एवरेज तैयारी है ना। चलो भाई, आराम से 65 से 70 क्वेश्चन, 65 70 वाला सिलेक्शन ले जाएगा सीकर वाले भाई ने, बहुत बढ़िया। राम राम, राम राम, धन्यवाद दार्जिलिंग।